हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पॉलीनोमियल की कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चन है मेरा, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल पी एक्स टू एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स माइनस सिक्स इज वन ऑफ इट्स जीरोस इज माइनस थ्री। जाहिर सी बात है, इसकी डिग्री थ्री है तो इसके जीरोस भी थ्री होंगे। देखिए, एक्स रखा है पॉलीनोमियल ऑफ एक्स, टू एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स माइनस सिक्स। एक जीरो थ्री है, यानी कि एक्स की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, माइनस थ्री। अगर एक्स की वैल्यू माइनस थ्री है तो एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो हो गया। ये इसका एक क्या हो गया, एक फैक्टर होगा, ठीक है। नाउ वी डिवाइड पॉलीनोमियल ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस थ्री टू फाइंड द अदर जीरोस। चलिए डिवाइड दे रहे हैं, एक्स प्लस थ्री का डिवाइड देना है टू एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स माइनस सिक्स में। सबसे पहले टू एक्स स्क्वायर टाइम जा रहा है तो ये हो गया टू एक्स क्यू प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 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 थ्री एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स माइनस सिक्स। उसके बाद माइनस थ्री एक्स टाइम जा रहा है, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस प्लस प्लस, ये हो गया माइनस टू एक्स माइनस सिक्स। फिर प्लस के टू टाइम जा रहा है, सॉरी माइनस के टू टाइम जा रहा है, तो माइनस टू एक्स माइनस सिक्स प्लस माइनस बाय इक्लूड एल्गोरिथम क्या होती है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, व्हेन रिमाइंडर इज जीरो तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, बी क्यू। अब यहां पे आपका ए क्या है, एक्स क्यू टू एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री एंड टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू। इसके इक्वल में इसको ले रहे हैं तो देखिए आगे क्या करना है। अब आपको ये सॉल्व करना है, एक्स प्लस थ्री टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू। एक्स प्लस थ्री ऐसा ही रहा, इसके मैंने फैक्टर करे टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस एक्स माइनस टू, ठीक है। एक्स प्लस थ्री मेरा ऐसा ही रहा, टू एक्स कॉमन आ गया, एक्स माइनस टू बचा, प्लस वन कॉमन आ गया, एक्स माइनस टू बचा, तो ये हो गया मेरा एक्स प्लस थ्री टू एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस टू। अगर जीरोस निकालने हैं तो इसको सबको इक्वल टू जीरो रखना पड़ेगा, तो यहां से अगर तीन का मल्टीप्लाई जीरो है तो इनमें से कोई, तीनों में से कोई एक या तीनों वैल्यू जीरो होंगी। एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू टू। तो फाइनली आपके जीरोस क्या है, हैंस जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल पी एक्स आर माइनस थ्री टू माइनस वन बाई टू। इसमें माइनस थ्री आपको दे रखा था, ये दोनों जीरोस हमने और निकाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल पी एक्स एक्स पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस सिक्स इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर माइनस रूट थ्री एंड रूट थ्री। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अल्फा एंड बीटा दे रखे हैं, चार जीरोस होंगे क्योंकि डिग्री फोर है, माइनस रूट थ्री एंड रूट थ्री। यहां से आप पॉलिनोमियल ऑफ निकालेंगे इसकी तो वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री माइनस रूट थ्री एक्स प्लस रूट थ्री इंटू माइनस रूट थ्री।
तो ये आ गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ये इसका फैक्टर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इसका डिवाइड देंगे हम किसमें, डिवाइड टू पॉलिनोमियल ऑफ एक्स में। चलिए तो सेम पहले वाला प्रोसेस, एक्स की पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस सिक्स। सबसे पहले एक्स स्क्वायर टाइम जा रहा है, एक्स स्क्वायर टाइम जा रहा है तो ये कितना बचेगा, एक्स की पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद बचा माइनस के थ्री एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस सिक्स, माइनस थ्री एक्स क्यू एक्स स्क्वायर तो माइनस के थ्री एक्स टाइम जाएगा, तो ये हो गया माइनस के थ्री एक्स क्यू प्लस नाइन एक्स प्लस माइनस। अब बचा मेरा टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स, तो टू टाइम चला जाएगा तो ये कितना हो गया, टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स माइनस प्लस। उसके बाद हमें क्या करना है, बाय यूजिंग इक्लिड एल्गोरिथम, ठीक है, क्या था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेन आर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमारा रिमाइंडर यहां पे जीरो आया है, तो क्या हो गया a इज इक्वल टू बी क्यू, ए आपका क्या है पॉलिनोमियल ऑफ x है, यानी कि x की पावर 4 माइनस थ्री एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एंड एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये वाला पॉलिनोमियल इन दोनों पॉलिनोमियल के मल्टीप्लाई के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे इसके इक्वल में इसे ले लेंगे। देखिए आगे, इसको मैंने इसके इक्वल लिया इस वाले पॉलिनोमियल को, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू, इसको मैंने लिख लिया एक्स माइनस रूट थ्री एंड एक्स प्लस रूट थ्री ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के, ये हो गया एक्स कॉमन ले लिया एक्स माइनस टू माइनस वन कॉमन ले लिया एक्स माइनस टू, तो ये हो गया x माइनस रूट थ्री एक्स प्लस रूट थ्री एक्स माइनस वन एंड x माइनस टू, ठीक है, इजिक्वल टू क्या रखते हैं जीरो, तो यहां से क्या आएगा x माइनस रूट थ्री इजिक्वल टू जीरो, तो x इजिक्वल टू रूट थ्री ये हमें गिवन दैट था, सेम x प्लस रूट थ्री इजिक्वल टू जीरो एक्स इजिक्वल टू माइनस रूट थ्री हमें गिवन दैट थे, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू वन आया है हमारा एंड x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो तो x इज इक्वल टू टू ये दो जीरो आ गए, तो आंसर क्या हुआ, हेंस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x आर रूट थ्री माइनस रूट थ्री वन एंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, थैंक यू।